इसकी गांठ बहुत मजबूत पड़ गई है, इसकी गांठ इसको निकालने के लिए नहीं हो रहा, तो अभी मैं इसको मदद कर देता हूँ। इस तरीके से अपने गांठ मजबूती से पकड़ा हुआ है। मालूम पड़ता नहीं कि कैसा हम को रेस्क्यू करते हैं, और हमारा वीडियो देखकर और भी बहुत सारे लोग पकड़ने वाले रहते हैं, तो वो लोग सही तरीका क्या है देख सकते हैं, या तो मैं गलत कर रहा तो मुझे बता सकते हैं। इसके लिए जब वीडियो यूट्यूब में डालता तो वो लोग सब देखते हैं, उसमें होशियार लोग भी देखते हैं और मैं खिलाड़ी भी देखते हैं। तो जाने को जगह नहीं है, वोच बोल रहे नहीं दो, सुन लो ऐसा जमा के चलके थे वो दिन बोल दो, इसको हिलाने का जरूरत नहीं। अभी मेन जगह है तो इसके अंदर ही अंदर ही वोच लकड़ी के अंदर ही चलेंगे। अभी क्या करेंगे, लकड़ी निकालेंगे? हाँ वोच बोल रहे, उसको लकड़ी गिरा गिरा बोल दीजिए। तो सांस उधर ही है। अरे बाप रे, हाँ नजीक का तो थोड़ा वीडियो बना ले। ये है हमारा बहुत ही बड़ा इंडियन रेड स्नेक, तो अभी इसको मैं बाहर लेके आता हूँ। बाहर लेकर आने के बाद में इसको मैं बैग में डालने की कोशिश करूंगा, ये बहुत ही बड़ा है। चलिए अब हम बाहर जाते हैं, चलो चलो बेटे। बैग में डालेंगे, चलो बैग ला, इसके अंदर छोड़ेंगे इसे। हाँ तो अभी वो सेम है, रेड स्नेक है, लेकिन ये दूसरा है, उसका कलर एकदम ब्लैक था, ये थोड़ा ग्रीनिश है, ग्रीनिश कलर है। अभी मेरा बेटा इसको बैगिंग करने के बाद में नाराज हो रहा है, ये पकड़ता था, ये बैग करता था, बैगिंग करता था, ऐसा बोल रहा है। तो अभी रिलीजिंग करते वक्त शायद इसके हाथ में दूंगा, आप बने रहिए वीडियो में। तो साथियों अभी हम लोग आ चुके हैं जंगल में, जहाँ पर सांप बिच्छू और छोटे से लेकर बड़े जानवर तक आपको मिल सकते हैं, लेकिन मिलना ना मिलना ये उनकी मर्जी पर निर्भर करता है, क्योंकि जब हम जंगल में जाते हैं तो हमें यहाँ से सिर्फ 10 मीटर या 20 मीटर तक दिखाई देता है, जितना घना जंगल होता है उतना आपको आगे तक दिखाई दे सकता है। वो देखिए इधर भी इस साइड में, तो ये पूरा जंगल है, ये बीच में रोड है, तो यह दांडेली अंबिका नगर रूट है, तो हम लोग इसको यहाँ पर छोड़ रहे हैं। और ये सांप किस तेज़ी से कितनी रफ्तार पकड़ के यहाँ से जाता है खुशी खुशी से, वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए उसको छोड़ने के लिए मैं किचन घूमता हूँ। तो इसको बाहर निकालने से पहले ये कितना बड़ा है दिखाना चाहूँगा, क्योंकि जब मैंने पकड़ा था तो वहाँ पर लोगों के मौजूदगी की वजह से इसके बाहर निकाल के बड़ा इसकी साइज दिखाने का मुझे वक्त नहीं मिला। ये देखिए आप देख सकते हैं ये कम से कम 6 से 6.5 फीट तक है, रेड स्नेक है। इसने अभी मुझे जकड़ लिया है, अब मैं
छोड़ के दिखाता हूँ, ये जब जकड़ा हुआ है तो इसीलिए जकड़ा है कि मेरा जो हाथ है उसके सर को पकड़ा हुआ है। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको पकड़ा हुआ है, इसीलिए मेरे को उतना ताकत से जकड़ रहा है। सर अमन सर दूर जा, ये देखिए जाना चाहता है लेकिन इसकी गांठ बहुत मजबूत पड़ गई है, इसकी गांठ इसको निकालने के लिए नहीं हो रहा, तो अभी मैं इसको मदद कर देता हूँ। ये देखिए किस तरीके से अपनी गांठ मजबूती से पकड़ा हुआ है, ये देखिए ये अभी छोड़ने के लिए धीरे धीरे छोड़ देगा मेरे को। ये जैसे मैं पकड़ूंगा और भी ज़्यादा है ये कर सकता था, देखिए अभी खुल गया, इसके ही शरीर में इसका पूंछ फंस गया था। तो आपने देखा किस तरीके से उसने भरपूर गुस्सा निकाला मेरे पैर पर, अपनी इतनी जकड़ मजबूत कर ली थी कि जैसे कि अगर वो मेरे गर्दन पर लपेटा होता तो शायद मुझे सांस लेने में तकलीफ हो सकती थी, लेकिन पैर है, पैर के अंदर मालिश हो गया मेरी भी, तो इसीलिए वो मेरा सेवा करके चला गया, जैसे मैं उसकी जान बचाया उसका एहसान उतार रहा हूँ जैसे। तो ऐसे भी बातें मैं आपके साथ में शेयर करता रहूँगा, जिसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा ताकि आपके आपको मेरे वीडियो पहुँच सके, और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इसी के साथ मैं यही कहते हुए आप सबसे विदा लेता हूँ। सेव नेचर, सेव स्नेक, सेव एनिमल।